नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम आम के लाइपोसक्शन आपसे डिस्कस करेंगे। कई लोगों में जो आर्म्स का साइज़ है वो एबनॉर्मली ज़्यादा रहता है, कई लोगों में पूरा बॉडी में फैट रहता है, या कुछ लोग स्पेशली कंसर्न रहते हैं कि आर्म्स में फैट ज़्यादा है या स्किन ज़्यादा है। मेनली उसमें दिक्कत ये रहती है कि स्लीवलेस पहनने में अच्छा नहीं लगता, और जो अगर कुछ कपड़े पहनते भी हैं तो साइड में बल्जेस दिखते हैं। सो हम लोग इसमें लाइपोसक्शन के द्वारा इस फैट को कम कर सकते हैं। जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर रहती है उसमें जो स्किन के नीचे जो फैट रहता है उसको सक्शन करके रिमूव किया जाता है। स्किन में एक छोटा सा होल करते हैं, उसके थ्रू स्किन के नीचे कुछ सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिससे जो फैट रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल दिया जाता है। कोई मेजर कट या निशान, स्कार मार्क वगैरह नहीं रहता है। 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर रहता है, और उसके बाद उसमें मेनली आपको कंप्रेशन दे के रखना रहता है फॉर नेक्स्ट 5 to 7 days। यदि स्वेलिंग ज़्यादा है तो 2 वीक तक की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर इस तरह के पेशेंट्स को हम लोग सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। ये जो प्रोसीजर रहती है कई बार आइसोलेटेड की जाती है, या कई बार दूसरे पार्ट के बॉडी के लाइपोसक्शन के साथ की जाती है, जैसे कि एब्डोमेन या थाइस के लाइपोसक्शन के साथ। लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है मेनली बॉडी कंटूरिंग या बॉडी रीशेपिंग प्रोसीजर है। वेट लॉस इसका प्राइमरी एम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यदि हम लोग कुछ फैट निकालेंगे बॉडी से तो ऑब्वियसली कुछ रिडक्शन वेट में एक्सपेक्टेड है। अगर हम दोनों आम का लाइपोसक्शन करते हैं तो आमतौर पर एक साइड में हम लोग करीब 2 से 2.5 लीटर तक फैट निकाल पाते हैं। कई लोगों में आफ्टर मासिव वेट लॉस या बेरेटिक सर्जरी के बाद या बिना किसी कारण के बहुत सारा लूज स्किन भी रहता है आर्म्स में। उन कंडीशन में यदि हम सिर्फ लाइपोसक्शन कर दें और स्किन ना निकालें तो वो स्किन एक्सिस अच्छा नहीं लगता है। तो उन केसेस में हम लोग आर्म टक प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि लाइपोसक्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल दिया जाता है। मगर मेन जो प्रॉब्लम होती है कि उसमें एक स्कार आता है या एक लाइन आती है जो इनर साइड ऑफ द आर्म में एक्जिला से नीचे की तरफ जाती है, अपर 2/3 ऑफ द आर्म्स में मोस्टली रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सिर्फ लाइपोसक्शन करके ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग अवॉइड करते हैं कि स्किन टक न करना पड़े। थोड़ा अगर स्किन में लूजनेस रहता है या मॉडरेट लूजनेस रहता है तो उस केस में सिर्फ लाइपोसक्शन करके हम लोग उसको अगर प्रॉपर कंप्रेशन दें तो धीरे धीरे करके स्किन श्रिंक कर जाती है। उसको श्रिंक करने के 2-3 कारण रहते हैं। एक तो जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं उसमें स्किन के नीचे रॉ एरिया क्रिएट होता है या वुंड क्रिएट होता है, जब वो हील होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्किन भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंडरलाइंग टिश्यू भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो स्किन श्रिंक करती है। दूसरा, हम लोग जो प्रेशर गारमेंट पहनाते हैं उसके कंप्रेशन के द्वारा जो स्किन है अंडरलाइंग टिश्यू से चिपक जाती है। तीसरा, स्पेशली यंग पेशेंट्स में स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, तो उन केसेस में जो स्किन है अंडरलाइंग टिश्यू के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आर्म लाइपोसक्शन के द्वारा ही आपका जो आर्म का शेप है वो करेक्ट हो जाता है। अब इसमें साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट होने का रिस्क नहीं रहता है। जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कुछ समय तक स्वेलिंग रह सकती है, रेडनेस रह सकता है, अनइवननेस रह सकता है, ब्रूजेज हो सकते हैं, रेड ब्लू पैचेस रहते हैं। ये सब चीज़ें शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ज़्यादा रहती हैं, कुछ कुछ लोगों में 3-4 हफ्ते तक रह सकती है। बाकी इसकी वजह से आपको घर पर आराम करने की या काम से छुट्टी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कॉस्ट रहती है लाइपोसक्शन, अगर आम लाइपोसक्शन करते हैं तो रफली कॉस्ट आपको पड़ती है 35,000 से 45,000 के रेंज में हो जाता है। अगर दूसरे लाइपोसक्शन के साथ हम लोग इसे करते हैं, सपोज एब्डोमेन और आर्म्स का लाइपोसक्शन करा, एब्डोमेन थाई और आर्म्स का लाइपोसक्शन करा, तो कॉस्ट उस हिसाब से चेंज होती है। सपोज एब्डोमेन और आर्म्स का करा तो रफली कॉस्ट अराउंड 60,000 के रेंज में चली जाती है। आर्म्स थाई और एब्डोमेन तीनों करा तो 70-75,000 के करीब कॉस्ट पड़ती है। अब हम आपको हमारे द्वारा किए गए एक केस के द्वारा ये आपको प्रोसीजर को ठीक से समझाते हैं। शी इज 35-year-old लेडी विथ वेट अराउंड 70 kg, एंड हम लोग इसमें आइसोलेटेड आर्म लाइपोसक्शन करते हैं। जो मेनली जो मार्किंग जो है फर्स्ट स्टेप होती है, जो फैट है मोस्टली इनर साइड ऑफ द आर्म में ज़्यादा रहता है। इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से कोई पेन नहीं होता है। मोस्टली 2 या 3 स्मॉल होल्स करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग लंबी रॉड्स जो इन्फिल्ट्रेशन कैनुला बोलते हैं उसके थ्रू सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इससे जो फैट रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्लीडिंग रुकती है, और एक प्रॉपर ट्यूमिसेंट सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करने से एक प्रॉपर प्लेन मिल जाता है जिसके हम फ्यूचर में हम लोग लाइपोसक्शन कर सकें। इसमें करीब हम लोग 800 to 1,000 cc सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट करते हैं, मोस्टली मिडियल साइड ऑफ द आर्म एंड पार्टली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द आर्म में इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये जो छोटे से होल रहते हैं इसका स्कार मोस्टली शुरू में इनिशियली कुछ हफ्तों तक दिखता है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखता है।
उसके बाद कुछ समय वेट करने के बाद हम लोग लाइपोसक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। लाइपोसक्शन कैन बी ट्यूमिसेंट और वेजर लाइपोसक्शन डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। सो आप देख सकते हैं ये इसमें एक जो सिलिकॉन रॉड के सिलिकॉन ट्यूब के थ्रू ये कंटेनर में ये फैट इकट्ठा हो रहा है। सो इस प्रोसीजर में हम लोग जो स्किन के नीचे जो फैट है उसको निकाल पाते हैं, पूरा स्किन और मसल्स के बीच के फैट को कम्प्लीटली निकालते हैं। सिमिलरली अपोजिट साइड भी साइमल्टेनियसली प्रोसीजर करा जाता है। उसके बाद फिर वो सिंगल सिंगल होल जो रहते हैं उसमें हम लोग सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस के द्वारा उसको क्लोज कर देते हैं। जो प्रोसीजर का ड्यूरेशन मोस्टली 1 आवर रहता है। इसके बाद इसको प्रॉपर कंप्रेशन देके रखना रहता है और मोस्टली 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं।